हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन। एंड अगर आप लोगों की भी कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो आप लोग भी इस तरीके का स्किन केयर रूटीन अपना सकते हैं, बिकॉज मैं एक लंबे टाइम से इस तरीके के स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही हूँ एंड मैंने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं अपनी स्किन पे। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड आई होप यू ऑल फाइंड इट हेल्पफुल। सो गाइस, जो प्रोडक्ट्स मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, दीज आर फ्रॉम बायोडर्मा। एंड एज वी ऑल माइट नो कि बायोडर्मा के प्रोडक्ट्स आर रियली बेनिफिशियल अगर आप लोगों की डैमेज्ड सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है। एंड ये जो दो प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, इट इज़ देयर क्लेंजर एंड माइसिलर वाटर। सो दीज आर फ्रॉम देयर सीबीएम रेंज विच इज स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं अपनी स्किन के लिए यूज़ करती हूँ, इट इज़ द बायोडर्मा सीबीएम H2O। इट इज़ द प्योरीफाइंग क्लेंजिंग माइसिलर वाटर। ये बहुत ही जेंटल है आपके स्किन पे एंड बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को क्लीन कर देता है। तो सबसे पहले मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए। अगर मेकअप नहीं भी है तो नॉर्मली भी आप टूवर्ड्स द एंड अगर रात में अपना स्किन केयर करने जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपके स्किन पे कितनी डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, कितना ऑयल सिक्रेशन हो जाता है। सो आई यूज़ दिस माइसिलर वाटर एंड बायोडर्मा हैज़ द बेस्ट माइसिलर वाटर। एंड ये जो पर्टिकुलर माइसिलर वाटर, इट इज़ फॉर द ऑयली स्किन, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है फॉर माई स्किन, फॉर पीपल लाइक अस अगर आपकी ऑयली सेंसिटिव स्किन है। ऑल्सो गाइज, अगर आपके एक्ने रहे हैं पास्ट में तो आपको पता होगा कि आपके स्किन पे वो मार्क्स छोड़ जाते हैं और ये उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ गाइज, द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई यूज इज देयर सीबीएम जेल मोसांट। इट इज देयर प्योरीफाइंग क्लेंजिंग फोमिंग जेल। तो अपने पूरे मेकअप को रिमूव करने के बाद या अपने स्किन को माइसिलर वाटर से क्लीन करने के बाद मैं यूज करती हूँ ये क्लेंजर और इसे मैं अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। अगेन, इट इज वेरी जेंटल ऑन द स्किन, इट इज नॉन कॉमेडोजेनिक, तो इट डज नॉट क्लॉग योर पोर और ये आपके स्किन पे सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है बाय 68%। एंड ये भी अगर आपके कोई एक्ने मार्क्स हैं उन्हें डिक्रीज करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो गाइस, द बेस्ट पार्ट इज ये दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते हैं आपके स्किन को। बहुत बार क्या होता है, जब हम अपनी ऑयली स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो दे टेंड टू ड्राई आउट योर स्किन। वो आपके सीबम को कंट्रोल करते हैं बट वो आपके स्किन को ड्राई आउट भी कर देते हैं, बट इनके साथ ये नहीं है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आई रियली रियली लाइक एंड आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर अ वाइल नाउ। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस, द बायोडर्मा माइसिलर वाटर रिटेल्स फॉर 750 rupees फॉर 100 ml एंड बायोडर्मा सीबीएम जेल मोसांट इज फॉर 395 rupees फॉर 45 ml। बट अभी इनकी वेबसाइट पे 10% डिस्काउंट चल रहा है। ऑल्सो गाइस, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स। सो गाइस, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, आपको वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेकआउट। अब मैं आपको एक एक करके इनका एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। पहले मैं कैसे माइसिलर वाटर से अपने फेस को क्लीन करती हूँ एंड उसके बाद मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। फेस वॉश की आपको फोमिंग कंसिस्टेंसी वगैरह पता चल जाएगी। इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूट करता हो। एंड लास्टली लिप बाम टू कंप्लीट माय स्किन केयर रूटीन। ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, 3 से 4 स्टेप का बहुत ही सिंपल सा स्किन केयर रूटीन है विच आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर अ वाइल नाउ। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैंने अपनी स्किन पे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट। सो गाइस, दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।